हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर कौशल यादव फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे और आज हम सीखने वाले हैं स्कारलेट फीवर जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर द यूनिवर्सिटी एज वेल एज फॉर नीट एमडीएस एंड यहां से ढेर सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं सो लेट्स स्टार्ट स्कॉलेट फीवर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अनदर नेम ऑफ स्कॉलेट फीवर सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्कारलेट तो एम पहला एम सी से यही बनता है कि इसको स्कारलेट भी बोलते हैं ये याद रखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट स्कारलेट फीवर इज अ कॉन्टाजियस सिस्टेमिक बैक्टेरियल इंफेक्शन अकरिंग इन चिल्ड्रेन ये ज्यादा चिल्ड्रंस में पाया जाता है ये एक बैक्टेरियल इन्फेक्शन है कॉन्टाजियस है जो कि स्प्रेड होता है एक दूसरे में सो इट स्प्रेड्स बाय रेस्परेटरी ड्रॉपलेट और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इंफेक्टेड पीपल्स जो रेस्परेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं एक दूसरे से या फिर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में जो बंदे आते हैं उनसे ये इन्फेक्ट होता है एक दूसरे से ओके एंड यूजली एसोसिएटेड विद सोर थ्रोट इसमें सोर थ्रोट पाया जाएगा आपका ये भी याद रखेंगे अब एटियोलॉजी की अगर बात करें तो वो कौन से बैक्टीरिया है वो हमें पता करना है तो इसमें बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई Streptococcus pyogenes ये दो बैक्टीरिया जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू याद रखेंगे यहां पे पूछा जाता है कि स्कारलेट फीवर किस बैक्टीरिया से होता है तो हमें याद रखना है कि बीटा हीमोलाइटिक है या फिर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स इन दोनों से होता है ओके okay? दूसरा पॉइंट विच प्रोड्यूस पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन मीन्स अब स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स है तो वो पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं बैक्टेरिया ओके सो इट इज सिमिलर इन मेनी आस्पेक्ट टू एक्यूट टॉन्सलाइटिस और फेरेंजाइटिस जो एक्यूट टॉन्सलाइटिस होता है और फेरेंजाइटिस होता है सेम इसमें भी ऐसा ही दिखेगा उसमें भी ऐसे ही बैक्टेरियाज होंगे ओके okay? और वो भी टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं अब पैथोजेनिस की अगर बात करें तो जो रैश है रैश अकर्स बिकॉज ऑफ थ्री एग्जोटॉक्स ए बी सी प्रीवियसली डिस्क्राइब्रोजेनिकीवर टॉक्सिंग तीन याद रखना है थ्री एग्जोटॉक्सिन्स जो बैक्टीरिया रिलीज करते हैं ए बी सी जिसकी वजह से रैश होता है ओके जिसको सॉरी डिस्क्राइब एज इराथ्रोजेनिक और स्कॉलेट फीवर टॉक्सिन्स दिस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिस क्लियर इन ब्लड प्लेट अब ये कैसे पता करेंगे कि ये बैक्टीरिया ये है तो हम ब्लड अगार प्लेट लेते हैं उसमें इसको ग्रो करते हैं तो उसमें हमें ये दिखता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो क्लियर हीमोलाइसिस कर रहा है अराउंड दी दलोनीज ओके याद रखना है लोकल इरिडिमेटस रिएक्शन अकर्स इन ससेप्टेबल इंडिविजुअल इंजेक्टेड विद एक्सोटॉक्सिन्स अगर हमने किसी को एक्सोटॉक्सिन्स अगर इंजेक्ट कर दिया तो उसमें रिएक्शन दिखना शुरू हो जाएगा लोकल इरिडिमेटस हर स्किन पे रेड रैशेस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा मतलब रिएक्शन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब यही बैक्टीरिया है जो जिससे एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है और जिससे रैश हो रहा है ओके okay? नाउ क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं तो मैंने पहले ही बताया था ये बच्चों में ज्यादा पाया जाता है कॉमन इन चिल्ड्रेन एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी थ्रू फेरिंग्स ये फेरिंग्स के थ्रू हमारे बॉडी में घुसता है ओके okay? इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड है वो थ्री टू फाइव डेज तक ही रहता है ये याद रखेंगे एमसीक्यू कि स्कॉलेट फीवर का जो बैक्टीरिया है उसका जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है वो थ्री टू फाइव डेज होता है आफ्टर विच पेशेंट एग्जिबिट्स फेरेंजाइटिस क्योंकि ये फेरिंग्स से जा रहा है तो पहले फेरिंग्स को टारगेट करेगा वहां इन्फ्लेमेशन करेगा तो आइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ फेरिंग्स ओके एंड टॉन्सिलाइटिस तो टॉन्सल्स को भी इफेक्ट करेगा हेड एक होगा यहाँ पे चिल्स ठंड लगेगी फीवर होगा एबडोमिनल पेन होगा एंड वॉमिटिंग भी होगा ओके okay? ये सब सारे कंडीशन दिखेंगे स्कालेट फीवर में इसमें सिम्टम्स में भी एनलार्जमेंट एंड टेंडरनेस ऑफ दी सर्वाइकल लिम्फ नोड ये लिम्फ नोड को भी ज्यादा इफेक्ट करेगा और जो सर्वाइकल लिम्फ नोड क्योंकि फेरिंग्स है वहीं पे सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होंगे तो इसको ज्यादा इफेक्ट करेगा और उसका एनलार्जमेंट हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ्यूज ब्राइट स्कारलेट स्किन रैश अपियर्स ऑन द सेकेंड और दर्ड डे ऑफ इनलेस क्या होगा जब ये बैक्टीरिया एंटर करेगा तो ऑफकोर्स बात है सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे बंदे बीमार होना शुरू हो जाएंगे उसके तीन, मतलब दो से तीन दिन के बाद आपको रैशेस दिखना शुरू हो जाएंगे आपके बॉडी में ऐसा दिखता है यहाँ पे सो दिस रैशेज ब्लां ऑन प्रेशर जैसे प्रेशर डालोगे ब्लांच होगी वाइट वाइट हो जाएगा एंड टिपिकली बिगिन फर्स्ट ऑन दी अपर ट्रंक अपर ट्रंक से शुरू होना शुरू होगा फिर ये पूरे एक्सट्रीमिटीज पूरे हाथ पैरों में फैलेगा ओके okay? स्मॉल पेप्यूल्स ऑफ नॉर्मल कलर इरप्रू दीज रिंगील टू दिन ये समझना है बीचेज में थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्मॉल पेप्यूल्स ग्रो हो जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि सैंड पेपर आपने देखा होगा जब सैंड पेपर को छुआ होगा तो कैसे लगता है तो वैसा ही यहाँ पे फील होगा आपको ये याद रखना है this rash that is particularly prominent in the area of the skin fold is called pestia lines ye mcq fir yaad rakhna aapko ye kya hai so fir se padhte hain this rash that is particularly prominent in the area of the skin fold ye yaad rakhna hai jahan skin folds hai hamare aur wahan agar ye particular rash दिखा आपको तो उसको पेस्टिया lines बोलते हैं ये याद रखना है इंपॉर्टेंट है Okay? पूछता है तो सात दिन में सबसाइड हो जाता है ओके okay? याद रखेंगे अब ओरल मैनिफेस्टेश बात करते हैं तो ओरल मैनिफेस्टेशन में चीफ ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ कार्लेट फीवर इज रिफर टू एसटोम कार्लेटीना एम सी क्यू अगर पूछेगा ओरल मैनिफेस्टेशन में क्या दिखता है तो स्टोमेटाइटिस कार्लेटीना दिखता है ओके okay. ये क्या होता है स्मॉल इसमें होता क्या है स्मॉल रेड मैक्यूल्स ऑन हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट और यूवला पे भी दिखता है सो दिज आर कॉल्ड फॉर्शिमर स्पॉट्स वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यू का याद रखना है आपको ये पूछा जाएगा कि फॉर्शिमर स्पॉट्स कहाँ दिखता है तो फॉर्शिमर स्पॉट्स हमें स्कार्लेट फीवर में दिखता है और ओरल में होता है 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 ये दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी पूछा जाता टंग एकदम वाइट कलर का दिखने लग जाएगा आपको कोटिंग और जो फंग फंगी फॉर्म पेपिले होता है वो इडिमेटस हो जाएंगे ओके एंड हाइपरिमिक एंड प्रोजेक्टिंग अब दी सरफेस ए स्मॉल रेड नॉब्स की तरह दिखेगा जिसे कहते हैं स्ट्रॉबेरी टंग वेरी इंपॉर्टेंट गाइज ये तो आपको याद रखना ही रखना है कि स्कारलेट फीवर में स्ट्रॉबेरी टंग दिखता है यह हर एक एंट्रेंस एग्जाम या फिर एम सी क्यू यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि स्ट्रॉबेरी टंग कहाँ दिखता है तो आपको याद रखना है कि स्ट्रॉबेरी टंग हमारा स्कार्लेट फीवर में दिखता है एकदम से क्लिक होना चाहिए ओके ये देखिए हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट हार्ड पैलेट और ये सॉफ्ट पैलेट पे आपको दिख रहा है ये मैक्यूल्स दिख रहे हैं स्मॉल पंक्टेड मैक्यूल्स तो यही स्टार्लेट फीवर की पहचान है ये देखिए हार्ड पैलेट पे भी दिख रहा है सॉफ्ट पैलेट पे और ये जो है दिस इज योर टंग एंड ये स्ट्रॉबेरी टंग है ओके okay? प्रोजेक्शन आप देख रहे हो यहाँ पे तो इसी वजह से ये ऐसा दिखता है कि स्ट्रॉबेरी टंग द कोटिंग ऑफ द टंग इज सून लॉस्ट एंड बिगनिंग एट द टिप एंड लेटरल मार्जिन ऐसा ही होता है जो कोटिंग पहले वाइट वाइट कोटिंग आती है वो धीरे धीरे हट जाती है और फिर जैसी हटती है तो पूरा रेडिश दिखता है ओके okay? पहले टिप से स्टार्ट होता है फिर पे भी फैल जाता है दिस ऑर्गन बिकम्स डीप रेड रेडनिंग एंड स्मूथ टर्म्ड एज रासबेरी टंग फिर एक एम सी क्यू रासबेरी टंग वही होता है जब कोटिंग हट जाता है और एकदम लाल दिखेगा आपको डीप रेड ग्लिस्टनिंग एंड स्मूथ एकदम चिकना टाइप का दिखेगा तो ये ये याद याद रखना रखना है इन में चीज़ रखना है आपको जब सीवियर केसेस होता है ना तो बकल म्यूकोसा पे अल्सर्स होना शुरू हो जाता है ओके okay? और ये क्यों हो रहा है क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है ओके okay? अब कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस -क्या होते हैं तो इसमें पेरिटोनसीलार एपसेस होता है रिनाइटिस होता है साइनोसाइटिस होता है ओटाइटिस मीडिया एंड मेस्टोडाइटिस एंड मेनेंजाइटिस निमोनिया रोमेटिक फीवर अर्थराइटिस मतलब ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको दिख सकते हैं इसमें ओके ये याद रखेंगे पूछ पूछ लिया जाता है कभी कभी अब डायग्नोसिस आप डायग्नोस कैसे करोगे तो इसमें मार्क्ड ल्यूकोसाइटोसिस विद इंक्रीज न्यूट्रोफीलिया तो यहाँ पे ल्यूकोसाइटोसिस दिखेगा और न्यूट्रोफीलिया इंक्रीज होगा ओके याद रखना है एलिवेशन ऑफ ईएसआर एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन ये भी एमसी की याद रखना है कि इसमें क्या क्या आपको बढ़ा हुआ दिखेगा तो एलिवेटेड ई होगा और सी रिएक्टिव प्रोटीन भी ज्यादा होगा इसमें अब प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसमें हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक जैसे कि पेनिसिलिन दिया जाता है डैक्लॉक्सा एंड सिफलेक्सिन, ये सब ब्रॉड एंटीबायोटिक्स होते हैं ये सब ये एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है जिससे जो भी रैशेज uh, हैं या फिर क्लिनिकल सिम्टम्स हैं वो सबसाइड हो जाते हैं तो आई होप गाइज आप समझ गए होंगे स्कारलेट फीवर अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कीजिए मैं उस अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करूंगा ऐसे ही पढ़ते रहिए ओके